जय सिंह, वेलकम टू माय चैनल जय सिंह फिटनेस और पाथ ऑफ मिशन इंडिया फिट। गाइस, आज हम बात करेंगे रोस्टेड चने। रोस्टेड चने के बारे में बताएंगे कि रोस्टेड चने हमारे लिए फायदेमंद क्यों, और रोस्टेड चने हमें स्नैक्स में लेने चाहिए क्योंकि ये ड्राई है और हर जगह इसे हम कैरी कर सकते हैं। बहुत ही यूजफुल है ये। और क्या है कि इंडिया में जो हमारे ये मोस्टली लोग लेते हैं, एब्रॉड में भी आजकल लोग ले रहे हैं, बट इंडिया में मोस्टली पॉपुलर है ये। लोग इसको भुजा बनाकर खाते हैं, तो ऐसे घर में भी स्नैक्स के रूप में लेते हैं। बट मैं इसके बारे में आज इम्पॉर्टेंट बताने जा रहा हूँ, इसके बारे में इम्पॉर्टेंस कि ये हमारे लिए ज़रूरी है और क्यों। मैं रोस्टेड चने की बात कर रहा हूँ, रोस्टेड चने। सो गाइस, रोस्टेड चने की सबसे पहली बात करें कि ये वेट लॉस में सबसे ज्यादा हेल्प करता है, वेट लॉस। एंड ये आपका डेली स्नैक्स में 6 से 7 ग्राम प्रोटीन का रिक्वायरमेंट जो होती है, 6 से 7 ग्राम प्रोटीन आपको ये कंप्लीट करेगा पर डे ऑफ हाफ कप अगर रोस्टेड चने का यूज करते हो। उसमें 100 ग्राम के तकरीबन होता है हाफ कप, और ये 100 ग्राम आपको 6 से 7 ग्राम प्रोटीन पूरा करेगा, जिसमें लाइसिन एमिनो एसिड होता है, जो कि लाइसिन हमारे कैरनिटीन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है। हमारे बॉडी में कैरनिटीन एक नाइट्रोजनस कंपाउंड होता है, और वो कैरनिटीन हमारे फैटी एसिड्स को एनर्जी में कन्वर्ट करने का काम करता है। सो दैट्स व्हाई लाइसिन, जो कि इस रोस्टेड चने में लाइसिन एक एमिनो एसिड है, और वो इस कैरनिटीन को, रेड कैरनिटीन के प्रोडक्शन को, उसके रेट को बढ़ा देता है। एंड दैट्स व्हाई हमारे जो बॉडी का जो फैटी एसिड्स हैं वो एनर्जी में कन्वर्ट होते हैं, इसीलिए फैट लॉस में भी काम आता है। इसलिए बोला जाता है कि ये चने खाने से जो रोस्टेड चने हैं फैट लॉस होता है, और इसके साथ साथ ये प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स भी रखते हैं, प्रॉपर अमाउंट में फाइबर्स, जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को सही रखते हैं, हमेशा कंट्रोल में रखते हैं, और इजी डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं फाइबर। तो प्रॉपर अमाउंट में तकरीबन 800 ग्राम में 8 ग्राम के आसपास आपको फाइबर्स मिलेंगे। एंड कार्बोहाइड्रेट्स ये ज़्यादा देता है, 27 ग्राम्स आपको, 100 ग्राम्स अगर आप लोगे, हाफ कप की मैं बात कर रहा हूँ, तो 100 ग्राम की इक्वल होता है तकरीबन, वो 27 ग्राम्स कार्बोहाइड्रेट होता है, जो कि हेल्दी कार्बोहाइड्रेट, मैं बोल रहा हूँ हेल्दी कार्बोहाइड्रेट एंड बैड कार्बोहाइड्रेट। हेल्दी कार्बोहाइड्रेट उसको बोलते हैं जो कि लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक सब्सटेंस है जो कि कार्बोहाइड्रेट्स कंटेन्स करते हैं, एंड कार्बोहाइड्रेट्स जो कि लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स होते हैं वो हेल्दी कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। सो लो इन ग्लाइसेमिक इंडेक्स, इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है, आई मीन 55 से कम होता है, दैट्स व्हाई इट्स हेल्दी। और ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होने की वजह से जो डायबिटिक पर्सन है, शुगर पेशेंट जो हैं, उनके लिए हेल्दी है, क्योंकि ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वैसे कार्बोहाइड्रेट्स जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है हेल्दी कार्बोहाइड्रेट होते हैं, और ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट होते हैं जिसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, स्लोली डाइजेस्ट होता है, और जो ग्लूकोज प्रोड्यूस होता है हमारे बॉडी में वो स्लोली हमारे ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसफर होता है स्लोली, और ये लंबे समय तक भूखा फील करवाता है। दैट्स वाई फैट लॉस के साथ साथ डायबिटिक्स पर्सन जो है उनके लिए भी ये इम्पॉर्टेंट है। और तीसरी बात करें कि ग्लाइसेमिक इंडेक्स हो गया, लाइसिन हो गया, फैट लॉस प्रॉपर अमाउंट में, रफेज यानी कि फाइबर्स जो कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है। सो इतने सारे फायदे हैं रोस्टेड चने के, और ये मैं रोस्टेड चने पर डे इवनिंग स्नैक्स में मैं हाफ कप यूज करता हूँ, आप भी यूज करो, रियली बहुत फायदेमंद है, इट्स रियली वेरी हेल्दी। और हमारे देश में है सब कुछ खाने पीने के लिए, बट उसको वाइजली यूज करना है।
वही रोचे चने आप मार्केट में जाकर खरीद कर खाते हो ऑयली, सो उस ऑयली को नहीं, उसमें ऑयल होता है उसको हमें नहीं लेने हैं, हमें ड्राई लेने हैं, घर में लेने हैं, और आप उसको पर डे 100 ग्राम कंज्यूम करो, इट्स रियली हेल्दी। एंड गाइस, वैसे लोग इसे यूज नहीं करेंगे जो ब्लोटिंग का शिकार है, कहने का मतलब उनका गैस प्रॉब्लम है, जल्दी गैस बनता है, पेट में पेन होती है, पेट फुला हुआ लगता है, बल लगता है, भरा हुआ लगता है, ये भी होने का रीजन है चूंकि ज़्यादातर जंक फूड ऑयली फूड हमेशा खाते हैं वो, तो वैसे लोग जिनको भरा भर लगता है वो नहीं यूज करेंगे इसको, चूँकि ये स्लो डाइजेस्टिंग कार्बोहाइड्रेट कंटेंट करता है जो कि और बैड फील करवाएगा। हाँ, वीक में 1 से 2 बार ले सकते हैं, बट क्यों ब्लोटिंग फील करवाना है, जंक फूड ऑयली फूड इसको छोड़ें, समय पर किस टाइम पे कौन सा हमें फूड लेना है उसकी जिक्र करें, किस टाइम पे कौन सी स्नैक्स लेने हैं ताकि हमें गैस ना हो, सुबह उठते ही खाली पेट चाय पी लेना ये गैस प्रॉब्लम क्रिएट करता है, गैस की और गैस्ट्रिक होते हैं, दैट्स वाई जिनको ऐसी प्रॉब्लम है वो स्नैक्स में इसको ज़्यादा यूज नहीं करेंगे, पर वीक आप 1 से 2 बार ले सकते हो, इसमें कोई लॉस नहीं। सो गाइज, ये थी इसके बेनिफिट्स एंड इट्स रियली वेरी हेल्दी, हर घर में इसका यूज होनी चाहिए, आप इसको शेयर करो, सबको बताओ इसके बारे में, आप 6 से 7 ग्राम प्रोटीन इससे ले सकते हो। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, द ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत लो होता है, एंड इसमें लाइसिन जो कि एक एमिनो एसिड है, नाइट्रोजिनस कंपाउंड जो हमारे बॉडी में कैरनिटिन को प्रोड्यूस करने में हेल्प करता है, जो कि फैट को एनर्जी में चेंज करता है, दैट्स वाई इट्स रियली वेरी हेल्दी। एंड इसके इसमें फाइबर्स होते हैं, और इसके ऊपर का जो कवर्स हैं, ये आपको ब्लैक चने का जो ऊपर से कवर होते हैं, ये फाइबर्स कंटेन करते हैं जो कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को मजबूत रखता है एंड डाइजेशन में हेल्प करता है। सो ओवरऑल बहुत फायदेमंद है, इसको आप स्नैक्स में यूज करो, एंड 6 से 7 ग्राम प्रोटीन आपको पर डे देगा, 100 ग्राम यानी कि हाफ कप। तो इसमें मैं स्नैक्स की भी वीडियोज बनाऊंगा और आपको दूंगा कि कैसे खाना है इसको। सो मिलते हैं गाइज, एंड प्लीज लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट, और मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके बारे में लिख दूंगा कि कितने ग्राम प्रोटीन, कितने कार्ब्स, कितने फैट ये देते हैं। फैट ओनली 3 ग्राम है जो कि पर 100 ग्राम में, जो कि सैचुरेटेड फैट है। सो गाइज, इट्स रियली वेरी हेल्दी, एंड प्लीज कमेंट लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो ताकि सबको पता चले इस हेल्दी स्नैक्स के बारे में, और फिर मैं नेक्स्ट वीडियोज में आपके लिए और हेल्दी न्यूट्रिशन की बात करूंगा, उसके बारे में बताऊंगा। सो दैट्स व्हाई गाइस, टेक केयर, बाय।